केंद्र की सरकार और जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, हर सरकारी जो है तंत्र जो है, जो सरकार के बनाए हुए जो तंत्र हैं उनको जो है उनका निजीकरण कर रही है, यानी हर संस्थाओं का जो निजीकरण कर रही है। उन निजीकरण के विषय में मैं बात करना चाहती हूँ। उसी निजीकरण की प्रक्रिया के चलते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी बाबा की सरकार भी अपनी बड़ी सरकार यानी अपने जो है केंद्र सरकार के राह पर चलना उसने शुरू कर दिया है, आरंभ कर दिया है, जिससे इन्होंने आज आप लोगों ने अखबार में भी देखा होगा और कई सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो 40 आईटीआई हैं उनका निजीकरण करने जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, यानी 40 आईटीआई को जो है वो निजी हाथों में सौंपने की पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर ली है। तो मैं यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी बाबा से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आप ये जो 40 आईटीआई जो हैं इनकी जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, क्या ये योगी बाबा के पिता ने बनाई है, या जो निजी कंपनियां जिन निजी संस्थाओं को ये जो है ये 40 आईटीआई जो सरकारी जो थी जो सरकार की थी उन्हें निजी संस्थाओं को जो सौंपने जा रही है, क्या उनके बाप ने इन बिल्डिंगों को बनाया था, क्या उनके बाप जो है इन बिल्डिंगों में जो भी बच्चे जो यहाँ इन जो आईटीआई में जो सामान यूज होता था जो भी चीजें यूज होती थी क्या उनके बाप उसमें लेकर आए हैं जो ये सरकार ने सजोया है, सरकार ने बिल्डिंग बनाई है। तो अगर उत्तर प्रदेश में जो है आईटीआई या किसी को भी आप निजी हाथों में सौंपने की जो तैयारी आपने पूरी कर ली है, अगर आपको निजीकरण करना है तो उन्हें अलग से कहो कि वो अलग से बिल्डिंगें बनाएं, ये बिल्डिंगें जो है ये सब जो है ये हम लोगों के खून पसीने की कमाई से जो हम टैक्स देते हैं, जो भारतवर्ष की जो जनता उत्तर प्रदेश की जो जनता टैक्स देती है उसके खून पसीने की कमाई से बनाई हुई बिल्डिंगें हैं। तो मैं यहाँ बता रही थी आपको कि 40 जो आईटीआई उनका निजीकरण करने जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। अब तक जो बच्चा पूरी साल में 480 रुपए देकर आईटीआई कर लेता था, अब वो 480 रुपए के स्थान पर जो है 26,000 रुपए देगा, तब वो जाकर एक साल आईटीआई करेगा। ये अतिरिक्त भार जो बढ़ाने जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है आईटीआई जो है निजीकरण करने का, इनका जो है जो मनसा है, सिर्फ मनसा ये है कि जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के जो बच्चे हैं, जो गरीब और निर्धन या शूद्र समाज के जो बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण ना कर लें, वो किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होने चाहिए, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने के शपथ ग्रहण की थी, शपथ ली थी, तो योगी बाबा ने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश में राम राज कायम करना चाहता हूँ। तो ये राम राज, क्योंकि राम राज में एससी एसटी ओबीसी के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें मंत्र उच्चारण करने का अधिकार नहीं था। अगर राम राज में इस तरीके से कोई वेदों का उच्चारण करता था ये तो उसकी जीभ काट ली जाती थी, और जो जिसने वेदों को सुन लिया था तो उसके कानों में सीसा पिघलाकर डाल दिया जाता था। और अगर कोई शंबुक जैसे जो है शूद्र जो व्यक्ति था उसका वध राम श्री राम जो इनका पुरुषोत्तम है उसने उसका वध कर दिया था। तो ये राम राज की शुरुआत हो गई है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के जो आगे आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो किसी तरीके से शिक्षा ग्रहण ना कर ले, और अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उसकी स्वतः ही आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। तो ये सबसे पहली जो चोट है एससी एसटी ओबीसी के और माइनॉरिटीज के जो है, ये सबसे पहले हम लोगों को सारे शूद्र समाज को शिक्षा से वंचित करने की पूरी प्लानिंग इनके दिमाग में उत्तर प्रदेश की सरकार में और ब्राह्मण समाज में चल रही है। वहीं जो
जो आईटीआई जो है ये दो चरणों में इनका निजीकरण करेंगे। पहले चरण में 16 जो आईटीआई हैं उनका निजीकरण किया जाएगा, दूसरे चरण में जो है 24 जो आईटीआई संस्थान है उनका निजीकरण करने की पूरी सहमति इनकी बन चुकी है। आईटीआई में जो दाखले जो पहले बहुत ही कम खर्चे पर दाखला हो जाता था, बच्चों का एडमिशन हो जाते थे, अब जो है आईटीआई में बच्चे को दाखला करने के लिए उसके माता पिता पर 54% अतिरिक्त भार बढ़ेगा, यानी खर्चा बढ़ेगा, उनका पैसा बढ़ेगा, उनके ऊपर धन का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, जिससे एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के बच्चे तो जो है पढ़ ही नहीं सकते। और वहीं जहां ये आईटीआई या पॉलिटेक्निक जो है उससे भी महंगी पढ़ाई हो गई है, जबकि पॉलिटेक्निक जो है इसकी पढ़ाई से भी ज़्यादा महंगी जो है आईटीआई की हो गई है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पढ़ाई इतनी महंगी हो जाएगी या जो भी आईटीआई है या पॉलिटेक्निक जो भी है पढ़ाई उस तरीके की जो है वो जब इतनी महंगी हो जाएगी तो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के गरीब निर्धन बच्चे जो है शिक्षा से वंचित होते चले जाएंगे। ये निजी हाथों में सौंपने का इनका पूरी यही मंशा है। जहां आईटीआई में प्रति माह 40 रुपये दिए जाते थे, अब निजीकरण करने के बाद में जो है अब जो है 26,000 रुपये यानी 480 रुपये प्रति माह के हिसाब से 26,000 रुपये दिए जाएंगे। पॉलिटेक्निक पूरी पढ़ाई का खर्चा जो है साल भर का जो डिप्लोमा होता है उसमें मात्र 11,000 रुपये के आसपास तक फीस आती है, लेकिन ये जो है आईटीआई अब 26,000 रुपये हो जाएगी, यानी ये पॉलिटेक्निक से भी ज़्यादा महंगी पढ़ाई हो जाएगी। और यही जो है ये जो है उत्तर प्रदेश में जो है 12 जो पॉलिटेक्निक स्कूल हैं वो महिलाओं के लिए हैं, 307 राजकीय हैं और 2,931 जो है वो निजी आईटीआई हैं। तो और आईटीआई जो सरकारी आईटीआई हैं उनको प्राइवेट या उनको निजी हाथों में सौंपने की क्या ज़रूरत है। इस निजीकरण का प्रैक्टिकल जो है राजस्थान की सरकार ने करा था, तो राजस्थान की सरकार के इस प्रैक्टिकल जो है वो पूरी तरह से यानी 100% फेल हो चुका है। वहाँ जो है कोई ये जो है निजीकरण जो है ये सक्सेस नहीं हुआ। तो वहीं क्योंकि निजी हाथों में 2006 में राजस्थान ने इनको सौंपा तो जो है लोग अदालतों में चले गए, मामले अदालतों में विचाराधीन हो गए, तो उसको लेकर ये पूरी तरह से निजीकरण का जो मामला था शिक्षा का वो वहाँ राजस्थान में पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। पहले चरण में ये इटावा, बांदा, कुशीनगर, लौनी जो गाजियाबाद में पड़ता है, पाली है, इनका निजीकरण करेंगे। दूसरे चरण में हाथरस, शामली, कानपुर, जौनपुर आदि इनकी जो है ये इसके दूसरे चरण में दूसरे फेज में किया जाएगा। वही जो है लोगों का ये कहना है और जो निर्धन निर्बल गरीब लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है यानी योगी बाबा की जो सरकार चल रही है ये केंद्र सरकार की तर्ज पर ही यहाँ उत्तर प्रदेश में हर विभाग को निजी हाथों में सौंपने की पूरी तैयारी कर ली है। और इसके पीछे इनकी मंशा सिर्फ यही है कि निर्धन गरीब लोग जो हैं यानी शूद्र समाज के जो लोग हैं वो उनको शिक्षा से वंचित किया जाए, उनको किसी भी तरीके की शिक्षा का नहीं वो प्राप्त कर सके, ताकि उनकी आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो दरिद्रता के उसमें कुचक्र में फंसी रहे। और इनके हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में जो है राम राज जो है वो कायम हो जाए, जो शूद्र समाज है, क्योंकि शूद्र समाज जब शिक्षा से वंचित हो जाएगा, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग जब शिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति स्वतः ही खराब हो जाएगी। और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जो है जो अपर क्लास के जो लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज है, जो क्षत्रिय समाज है, जो वैश्य समाज है, पूरे इन तीनों वर्गों पर जो है पूरा शूद्र समाज जो है
निर्भर हो जाएगा आर्थिक रूप से। और जब ये शूद्र समाज इन समाजों के ऊपर निर्भर हो जाएगा आर्थिक रूप से, तो वो फिर वही गुलामों जैसी स्थिति हो जाएगी। राम राज में जिस तरीके से महिलाओं की बोली लगती थी, राम राज में जिस तरीके से महिलाएं, शूद्र महिलाएं, महिलाओं की खरीद फरोख्त होती थी, जिस तरीके से राम राज्य में जो है गुलामों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था और महिलाओं का अपमान किया जाता था, महिलाओं को घर से निकाल दिया जाता था, एक जो है अबला नारी को घर से निकाल दिया जाता था, उस तरीके की सम्मुख जैसे लोगों का वध किया जाता था, यानी शूद्र समाज को जो है कुछ भी कार्य करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। वो पढ़ नहीं सकता था, वो लिख नहीं सकता था, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहन सकते थे, आम रास्तों का प्रयोग नहीं कर सकते थे और आर्थिक स्थिति के नाम पर उनको जो है एक टाइम की रोटी मोस्तर थी। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि योगी बाबा जो हैं इस तरीके से सभी चीजों का जो निजीकरण कर रहे हैं, इसके पीछे यही मंशा है कि जो है मनुस्मृति के जो व्यवस्था है उसको लागू किया जाए, ताकि जो सेवादार हैं जिस मनुस्मृति के अनुसार वो सेवा करें इन तीनों वर्गों के लोगों की, और वो जो है उनको एक टाइम के लिए खाना दिया जाए ना दिया जाए, और उनको जो है फिर से गुलाम जो है SC ST OBC के लोगों को और माइनॉरिटीज के लोगों को और उनकी भावी पीढ़ी को, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको गूंगी भैरी लंगड़ी लूली बनाने की पूरी और गुलाम बनाने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कर ली है, जहाँ जहाँ भी ये जिन भी प्रदेशों में है। अंत में मेरा यही कहना है, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो बिल्डिंगें बनी है, ये हमारे खून पसीने की कमाई से बिल्डिंगें बनी है जिनका आप निजीकरण कर रहे हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको निजीकरण करना है तो उन लोगों से आप नई बिल्डिंगें बनाएं, उनको वहाँ वो दें। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी जो सरकारी तंत्र है उनका निजीकरण किया जा रहा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।